न्यूज और आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। बिजनौर के थाना चांदपुर में जन सहयोग से तैयार की गई नवनिर्मित मैस व पिंक टॉयलेट का एसपी ग्रामीण रामर्ज ने पहुंचकर लोकार्पण किया। पुलिस के जवानों को स्वच्छ खाना मिल सके इसलिए नए मैस का शुभारंभ किया गया। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के थाना चांदपुर में मैस न होने से पुलिस के जवानों को ठीक समय पर खाना मिलने में काफ़ी परेशानियों का सामना हो रहा था। इसी को लेकर के आज एसपी ग्रामीण रामर्ज ने थाना चांदपुर पहुँचे और नवनिर्मित मैस का फीता काटकर लोकार्पण किया है। साथ ही पिंक टॉयलेट का भी लोकार्पण किया है। बताया जा रहा है कि फीता काटकर पिंक टॉयलेट का लोकार्पण किया। इस दौरान से स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के दौरान चांदपुर थाने का समस्त पुलिस स्टाफ, क्षेत्र अधिकारी चांदपुर सुनीता दहिया व एसपी ग्रामीण रामर्ज भी मौजूद रहे। थाना चांदपुर में आपका आना हुआ है सर, उद्घाटन किया है क्या? देखिए, जवानों को साफ सुथरा खाना मिले इसके लिए थाना चांदपुर पुलिस द्वारा जो है जन सहयोग से प्रयास करके एक अच्छा सा मेस बनाया गया था जिसका आज उद्घाटन किया गया और साथ ही जन सहयोग से पिंक टॉयलेट भी बनाए गए थे उसका भी आज शुरुआत की गई है। साथ ही मंदिर में भी जो है कुछ घंटे लगाए गए और त्रिशूल वगैरह जो है कलश उसका भी आज जो है शुरुआत किया गया, समर्पित किया गया भोले बाबा को। कुल मिला के ये आज जवानों के वेलफेयर के लिए जो है ये कार्यक्रम था, उनके लिए एक अच्छा सा मेस जो जन सहयोग से बनाया गया था वो आज शुरू किया गया है और हमारे सभी थाना पुलिस को शुभकामनाएँ जिन लोगों ने सहयोग से और प्रयास करके एक अच्छा मेस अपना बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे सभी जवानों को जो है शुद्ध और स्वच्छ भोजन उपलब्ध होगा जो है और मेरे सभी जवानों को इसके लिए शुभकामनाएँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।